हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे क्लास 9 के नंबर सिस्टम का, और आरएस अग्रवाल की बुक का यूज कर रहे थे। एक्सरसाइज 1F पढ़ रहे थे। 1F का ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब रेशनलाइजेशन का जो ग्रैंड सीरीज मैंने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया है, तुम जरूर देखना, देखने से तुम एक्सपर्ट बन जाओगे रेशनलाइजेशन का। ये रेशनलाइजेशन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब यूँ कह दूँ कि ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से तो जल्दी नहीं बनता है। तुम भी देख समझ सकते हो कि यहाँ पे तुमको लगेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब निकालना होगा, एक्स स्क्वायर निकालना होगा, फिर एक्स ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये है कुछ नहीं, सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। तो बताता हूँ मैं, देखो कितना आसान है ये, कितनी आसानी से बनेगा। हमने क्या करना है यहाँ पे कि एक तो अभी ये रेशनलाइज नहीं है, एक्स का जो वैल्यू है वो रेशनलाइज नहीं है, तो पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। किसको? इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 1/2 माइनस रूट थ्री है, इसका जो आर एफ होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर वो क्या होगा, 2+√3, और इसको फिर क्या करते हैं, 2+√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना होगा, यहां पे देखो ऊपर में तो जितना है वो उतना ही रहेगा, और नीचे में क्या बना, नीचे में बन गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब 4 का 2 का स्क्वायर 4, और b मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। सो फाइनली वी हैव 2+√3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, सो x इक्वल टू आ गया 2+√3। लेकिन इसका वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर हमारी तो निकल जाएगी। यहाँ पे क्या करना है कि देखो, अब मैं देख रहा हूं कि यहां पे बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, तो कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि x और इस 2 को मैं इधर ले आता हूं और √3 को इधर छोड़ देता हूं। तुम पूछोगे ये आप क्यों कर रहे हो, मैं देखो मैं आपसे, मेरा दिमाग यहां पे काम करना शुरू हो गया कि अब हम क्या करते हैं। यहां से अगर मैं x को, पहले एक काम यहां पे करो ठीक है, फिर बताऊंगा। यहां से हमारा जो क्लू भी, जो इतना भी क्लू है वो क्लू हमारा यहां से आ रहा है। हमने देखा यहां पे स्क्वायर वगैरह है तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं कि इतना काम करने के बाद हम दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। ये हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि आप दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2ab तो 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई ना, इसको मैंने स्क्वायर किया, तुम यही कर काम कर लो। और फिर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस 4 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 1 बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर? ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मेरा काम आसान कर सकता है, ये वैल्यू, क्योंकि देखो इतने बड़े वैल्यू के बदले मैं सिर्फ माइनस 1 लिखूंगा। कितने बड़े वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जहां भी मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसके बदले क्या लिख दूंगा, माइनस 4। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिखाई पड़ रहा है नहीं, और फिर मुझे ना ऐसे मतलब 4x ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, जबकि यहाँ पे x का मान 4x है। तो मैं 4x लाने के लिए क्या करता हूँ कि अपने ही मन से यहाँ पे मैं 1 - 2x² अपने मन से हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये -2x² और -2x² क्या बन जाएगा, 4x², लेकिन अपने मन से माइनस किया तो अपने मन से इसको तुम ऐड भी कर दो। ऑलराइट, अब देखो मेरा काम बहुत आसान बन गया, अब क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो एक्स क्यू इतना काम, देखो इतना काम करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं जीनियस। जीनियस जो भी स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, सब कुछ तुमको दिया हुआ नहीं मिलेगा, तुमको बहुत कुछ खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो कुछ नया चीज़ खोजते हैं, जो दिया हुआ है उसको नहीं खोजते हैं। तो तुम सोचो कि तुमको क्या करना है, एक्स क्यू हो गया -2x² यहाँ पे -4x² प्लस यहाँ से 2x² यहाँ से -7x + 5। मैंने बाकी सारे टर्म्स को लिख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से
एक्स कॉमन लेता हूँ, यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और फिर यहाँ बचा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, ये एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन। फिर क्या बचा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। अब एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, माइनस एक्स हो जाएगा। तुमको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल्स में लिखता हूँ, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चंस दो से तीन लाइन में हम सॉल्व करना है हम लोगों को। टू एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स और माइनस सेवन एक्स, माइनस एक्स एट एक्स प्लस फाइव। तुमको कुछ दिखाई दिखाई पड़ रहा है क्या? यस, मेरे को फिर ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से टू कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, यहाँ से टू और एट में से टू गया तो फोर बचा। इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन लिख सकता हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वन प्लस फाइव, टू को माइनस वन से माइनस टू प्लस फाइव, फाइव माइनस टू कितना होता है, थ्री होता है। यही तुम्हारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। अरे यार देखो तो कहाँ, हमने कुछ किया ही नहीं, मैंने ना क्यूब किया ना मैंने स्क्वायर किया, बस एक बार स्क्वायर करना पड़ा था हमको, ठीक है, वो भी हल्का सा स्क्वायर किया बस इतना ही, और यहाँ से मैंने क्लू निकाल लिया और सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। तुम इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो और बाकी लोगों से पूछ के देखना, 99.9% लोगों से ये नहीं बनेगा, मतलब स्टूडेंट से, टीचर कुछ बना भी सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली हमने यहाँ पे इसको ख़त्म कर लिया, कैसा लगा तुमको ये सॉल्यूशन मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। और भाई इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना, उसको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फ्यूचर में जब कभी तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको याद पड़ेगा किसी टीचर ने मुझे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उस समय पढ़ लिया होता ना तो मुझे आज ये क्वेश्चन याद रहता, आज मैं उसको बना पाता। सो क्यों ऐसा पछताना, जब हम यहाँ पे आ गए हैं, हम तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ तुम भी आ जाओ और मैथमेटिक्स को बनाते हैं बहुत ज़्यादा आसान। तो फाइनली क्या करना, अभी जस्ट क्या कर लेना है कि बस तुम क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना ताकि आगे सारे वीडियोज़ तुम तक पहुँच जाए।